बहुत खुशी हो, यहाँ पे गोल्ड मेडल लग के। मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी 28 ओलंपिक, अभी वही टारगेट है मेरा। ओवरऑल हमें अच्छा लगा है रांची का एक्सपीरियंस। आज हॉकी हो, फुटबॉल हो, या देखा आपने साइकिलिंग में हो, सभी खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे झारखंड की बच्चे बच्चियां बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो कंपटीशन है वो कितना टफ चल रहा है, और अभी हमारे साथ महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। कैसा चल रहा है कॉम्पिटिशन? थोड़ा सा टफ है, बट हम लोगों को बहुत नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। आई गेस स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस मिलना इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग, एंड द वे हाउ यू प्ले इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने ऐसा पहले कहीं ट्रैक देखा था या स्टेडियम, कैसा लगा? द ट्रैक इज वेरी गुड। हाँ, इससे ट्रैक्स ऐसे बहुत सारे देखे हम लोगों में, और ओवरऑल हमें अच्छा लगा है रांची का एक्सपीरियंस। रांची के लोग और रांची कैसा लगा? बहुत हेल्पफुल लगे हमें रांची के लोग। कभी एड्रेस नहीं पता चल रहा तो कोई भी हमें गाइड कर रहा है, एंड गाइडेंस हमेशा सही रह रहा है रांची के लोगों का। सो फार इट्स गुड। आपका कंपटीशन कैसा चल रहा है? अभी तक मेरे को 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर आ चुका है, और आज के इवेंट में मैं गिर गई थी, गिरने के बाद चलाया मैंने, मेरे 2 दांत टूट गए, इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, पर इट वॉज गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हमारे झारखंड के चैंपियन हमारे साथ है, कहाँ से हैं आप? मैं बोकारो से हूँ और यहाँ जेएसपीएस में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। आज आपने सिल्वर मेडल जीता, कैसा लगा? काफी अच्छा लग रहा है, और मैं मेहनत करके और आगे मैं खेल सकता हूँ। स्टेडियम के बारे में क्या कहिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे आए होंगे? मैम, यहाँ का स्टेडियम अभी काफी अच्छा है, मतलब पहले अभी रिपेयरिंग हो गया है और पहले से काफी अच्छा है यहाँ। और कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से हैं, और हम बीकानेर में ट्रेनिंग करते हैं। हमारे गुरु जी और हमें ट्रेनिंग कराते हैं। सर डी हमारे कोच है, और किशन जी पर्वती भी हमारे कोच है, हम ट्रेनिंग करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे गोल्ड मेडल लाने के लिए। इस रेस में बहुत टफ था। रांची का जो ट्रैक है वो कैसा लगा और स्टेडियम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश हूँ मेरे को यहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, अच्छा लगा मुझे, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ से। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है रांची में तो आप लोग आइएगा? यह जरूर आएंगे, क्योंकि हमें मेरे को बहुत खुश है यहाँ पे गोल्ड मेडल लाने के लिए, जर्सी पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आगे कहाँ तक जाने का सोचा है? आगे इंटरनेशनल खेलने का है। आपकी आंख में हमें खुशी के आंसू दिखाई दे रहे हैं। वो तो है ही, अब गोल्ड मेडल लाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अग्रिमा हूँ, हरियाणा से खेल रही हूँ, 2 साल हो गए मुझे खेलते हुए, एंड फाइनली मेडल आ गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। ये रांची पहली बार आई होंगी? हाँ जी हाँ जी। रांची का ट्रैक और स्टेडियम कैसा लगा? ट्रैक एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है, कह रहे थे कि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, इसे रिपेयर करना है, बट मुझे तो काफी अच्छा लगा ट्रैक। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा आयोजन होता है रांची में तो फिर आइएगा? हाँ जी हाँ जी जरूर। अभी इनफैक्ट मैंने सुना है SGFI गेम्स जो है वही कुछ महीने बाद यहाँ हो रही है, तो उसके लिए भी जरूर आएंगे। और भी बच्चे होंगे जो साइकिलिंग करना चाहेंगे, उनको क्या कहेंगे? साइकिल उठाइए, चलिए, आपको रोक कौन रहा है? आजकल तो गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, स्पेशली झारखंड गवर्नमेंट को मैंने देखा यहाँ पे आके, सुना बच्चों से कोचेज़ के थ्रू के बहुत सपोर्ट मिल रही है, कोचेज़ इनफैक्ट बहुत नए बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए, शुरू कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। हमारे राज्य की झारखंड की सरिता गोल्ड हासिल कर चुकी है, और आप देख सकते हैं हमारे सामने, सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है सरिता, अब तो गोल्ड मिल गया है? बहुत खुशी हो रही है मैम, इतनी खुशी हो रही है कि निःशब्द हो चुकी है जी। बात करें तो सरिता को इतनी खुशी है कि कुछ बोल नहीं पा रही है, थोड़ी देर बाद वो सबको बताएंगी कि कैसे और प्रैक्टिस करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं हमारी झारखंड की बेटियाँ जो है वो लगातार परचम लहराती जा रही है हर जगहों पर। हमने जस्ट सुना कि आपसे प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में बात की थी, तो उस दिन कैसा लगा था? उस दिन बहुत अच्छा लगा था, और ऐसा लग रहा था मतलब फर्स्ट टाइम अपना प्राइम मिनिस्टर से बात किया, और थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन बहुत प्राउड फील हुआ, और मेरा स्टेट का भी बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैं फर्स्ट
निकवर सिंह जी जिसने मन की बात में बात किया श्री नरेंद्र मोदी जी से, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत मस्त लग रहा था। आप पहली बार रांची आए हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम रांची आया हूँ। ट्रैक और स्टेडियम कैसा लगा? ठीक लगा, मतलब ठीक है, एवरेज, मतलब ठीक लगा। कहाँ तक जाने का सोचा है आप? मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी 2028 ओलंपिक, अभी वही टारगेट है मेरा, क्योंकि इस साल मेरा मैं सेकेंड ईयर सीनियर हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधा डायरेक्ट 2028 का ओलंपिक में वही फोकस करूँ। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी हर्षिता मौजूद हैं और इन्हें सिल्वर मेडल मिला। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन हर्षिता। थैंक यू सो मच। आपने पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है और उसके बाद चैंपियन बन रही है लगातार, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम रांची आई होंगी तो ट्रैक कैसा लगा और स्टेडियम कैसा? स्टेडियम और ट्रैक बहुत अच्छा, इधर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगर ऐसा आयोजन दोबारा होता है रांची में तो आइएगा। यस। हमारे साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, हम उनसे जानेंगे। सर अभी भी हमने देखा हमारे झारखंड की बेटी जो है वो लगातार परचम लहरा रही है, क्या कहिए? देखिए हर क्षेत्र में जब इच्छा शक्ति हो तो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं रहती हैं, और उसी का परिणाम है आज देख रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, और उसका परिणाम है कि आज हॉकी हो, फुटबॉल हो, या हम देखा आपने साइकिलिंग में हो, सभी खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे झारखंड की बच्चे बच्चियां बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। और ये जो माहौल आप देख रहे हैं ये माहौल भी पहले देखने को नहीं मिलता था हमारे झारखंड में, खेल का माहौल नहीं के बराबर था, लोग अपने बलबूते पर कहीं सेलेक्ट होते थे। आज पूरी तरह से सरकार प्रमोट कर रही है सभी खेलों को और बड़े बड़े इवेंट्स हमारे राज्य में कराए जा रहे हैं, इससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है और उनको अच्छा प्रदर्शन करने में निरंतर जुटे हुए हैं, और आगे भी जब देखेंगे कि आगे भी आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था बीते दिनों कि आने वाले दिनों में हमारे देश की कोई भी टीम बनेगी तो वो झारखंड के खिलाड़ियों के बिना नहीं होगी, और वो समय बहुत जल्द आएगा। आज साइकिलिंग में भी हमारे झारखंड के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, नेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से यहाँ ये आयोजन कराया गया। सर ये पहली बार मेजबानी करने का मौका मिला था झारखंड को, क्या कहिए? देखिए पहली बार मेजबानी करने का जब इच्छा शक्ति हो, मैंने कहा कि जब कहीं से हम उनको ऐसा लगेगा किसी भी एसोसिएशन को कि झारखंड सरकार हमें बढ़ावा दे रही है, झारखंड सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे इवेंट्स होंगे, और अभी निरंतर हो रहे हैं फुटबॉल, हॉकी, अभी साइकिलिंग का, और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं यहां आयोजित की गई हैं, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं, और निरंतर इस दिशा में हमारी हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। और झारखंड को सिर्फ एक खनिज संपदा से परिपूर्ण और जंगल से भरा राज्य नहीं जानकर लोग खेल के क्षेत्र में भी इस राज्य में असीम संभावनाएं हैं, लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं, बस उनको निखारने की ज़रूरत है, और उनको निखारने की दिशा में तेज़ी से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।